रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट से खाने पीने की महंगाई में तेज उछाल की आशंका बन गई है। संकट के बीच गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका से गेहूं की वायदा कीमतें 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। दरअसल कारोबारियों को आशंका है कि रूस पर लगे प्रतिबंध अगली फसल तक भी जारी रहेंगे, जिससे आने वाले समय में किल्लत और बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत से गेहूं का निर्यात तेज होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि सोयाबीन और सनफ्लावर के आयात पर असर देखने को मिल सकता है। शिकागो बाजार में गेहूं वायदा कीमतें मंगलवार को बढ़त के साथ करीब 14 साल के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। आशंका है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन पर और रूस पर प्रतिबंध आने वाले समय में गेहूं की सप्लाई पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसी वजह से कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही मक्के की कीमतें 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसके साथ ही सनफ्लावर और सोयाबीन की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। रूस गेहूं का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में 18% से अधिक का योगदान है। वर्ष 2019 में रूस और यूक्रेन ने मिलकर दुनिया के 1/4 से अधिक गेहूं का निर्यात किया था। आशंका है कि यूक्रेन को संघर्ष खत्म होने के बाद सामान्य स्थिति में आने में काफी वक्त लग सकता है। वहीं रूस पर भी प्रतिबंध लंबी अवधि तक लागू रह सकते हैं। ऐसे में अगले सीजन में भी सप्लाई बाधित रहने की आशंका है। इसी वजह से कीमतों में तेजी की आशंका बनी हुई है। इस महीने की शुरुआत में ही रोबो बैंक ने रूस यूक्रेन संकट की अलग अलग परिस्थितियों में खाद्य तेल की कीमतों पर असर का अनुमान दिया था। पहली स्थिति में युद्ध होने पर गेहूं की कीमतों में 30% और मक्के की कीमतों में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। बैंक ने चेतावनी दी थी कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगने की स्थिति पर अनाज, खाद्य तेल और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक ने अनुमान दिया है कि अगर अगली फसल की कटाई तक रूस पर प्रतिबंध बने रहते हैं तो कीमतों में और बढ़त संभव है। गेहूं का भाव 2 गुना हो सकता है और मक्का 30% तक और बढ़ सकता है। स्थिति अगले साल की जाकर सामान्य हो सकती है, यानी सप्लाई की स्थिति में सुधार अगले साल ही संभव है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।